इंटर ऑफ डिप्रेशन ना वर्ड्स रिएक्शन बताया था याद है सबको, वर्ड्स रिएक्शन का टाइप वन हुआ, वर्ड्स रिएक्शन का टाइप वन। अगर मैं टाइप टू की बात करूं तो टाइप टू वर्ड्स रिएक्शन में टाइप टू। अब टाइप टू मतलब क्या है, जो पहले हमने डिस्कस किया है ना वो टाइप वन था, क्या था टाइप वन मतलब सिंपल वर्ड्स रिएक्शन। उसमें अगर आप देखेंगे तो उस मेथड से वही एल्किन प्रिपेयर हो सकते हैं जो इवन नंबर कार्बन एल्किन, वन एंड वन कंबाइन होके टू, टू टू कंबाइन होके फोर, थ्री थ्री कंबाइन होके सिक्स, फोर फोर कंबाइन होके एट, राइट। इवन नंबर कार्बन एल्किन ही प्रिपेयर हो रहे थे। तो अगर मुझे ऑड नंबर प्रिपेयर करना है तो ऑड नंबर प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट मोल लेने पड़ेंगे। और जब दो डिफरेंट मोल लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब ही दो डिफरेंट मोल लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या वो सुटेबल प्रोडक्ट होगा, तो टाइप टू में डिस्कस करना। टाइप टू में व्हेन टू डिफरेंट मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर यूज, व्हेन टू डिफरेंट मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर यूज, टू डिफरेंट मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, देन फॉर्म थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट, थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि तीन तीन प्रोडक्ट कैसे आए, राइट। जब ही दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेंगे, अब यहां रिएक्शंस को समझने का ट्राई करेंगे। अल्काइल हैलाइड RH ले लिया, दो मोल सोडियम के ले लिए, प्लस तीसरा मोल जो है मैं RH ले ले रहा हूं। ड्राई ईथर वही, रिएक्शन वही है, सब कुछ वही है, ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बाइहीटिंग, राइट, रिएक्शन वही था। अब यहां से ये X जाएगा तो क्या मिलेगा, R रेडिकल। यहां से X जाएगा तो क्या मिलेगा, R डैश रेडिकल। समझ में आ रहा है। अब यहां पॉसिबिलिटी क्या होगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटी। ये R रेडिकल R डैश के साथ कंबाइन हो जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, R R डैश। अब ये जो R रेडिकल है, क्या जरूरी है पूरे के पूरे R रेडिकल इस R डैश रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, नहीं, कुछ तो बचेगा। अब जो बचेगा वो खुद के साथ तो रिएक्ट करेगा। अब आप बोलेंगे खुद के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, तो इसके पहले जो आपने रिएक्शन कराया था वो खुद के साथ हो रहा था, याद है, दो मोल सेम हो रहे थे, नंबर ऑफ मोल, राइट। तो यहां पे भी जो बचे हुए मोल रहेंगे वो क्या करेंगे, खुद के साथ कंबाइन करेंगे। और जब ये आर खुद के साथ कंबाइन होगा स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, आर आर। और जब ये आर डैश खुद के साथ कंबाइन हुआ तो आर डैश आर डैश, कितने प्रोडक्ट मिले, तीन। इस तीन प्रोडक्ट में एक जो है क्रॉस प्रोडक्ट है और बाकी के दो जो है वो क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट, क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो बाय यूजिंग टू डिफरेंट मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, तीन तीन प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें से वन क्रॉस प्रोडक्ट एंड टू सेल्फ प्रोडक्ट। समझ में आया आपको, रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल से होके जाता है, जो मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि वर्ड्स रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल से होके जा रहा है। तो फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे हमने आर रेडिकल बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, आर डैश रेडिकल बनाया। अब पॉसिबिलिटी देखेंगे तो ये आर रेडिकल आर डैश के साथ कंबाइन हो गया, एक प्रोडक्ट मिला। दूसरा स्टूडेंट ये खुद के साथ कंबाइन हुआ तो आर आर बन गया। तीसरा ये आर डैश रेडिकल कंबाइन विद आर डैश रेडिकल, क्या मिला, देयर आर थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट। आउट ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट वन इज अ क्रॉस, टू इज अ सेल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इन्हीं के बेस्ड ऑन एक एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल था,
हमने एक मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, दो मोल सोडियम के ले लिए, दूसरा यहां पे इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बाय हीटिंग कंडीशंस वही रहेंगे, प्रोडक्ट कितना मिलेगा? अब कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो एक ऑप्शन है इथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है ब्यूटेन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। रीजन तीन के तीनों बन रहे हैं कैसे, पहले ये बी आर गया राइट, इधर से ये बी आर गया। अब पहला प्रोडक्ट हम बना सकते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको ना ओरली ऐसे भी बोल सकते हैं, दो कार्बन इधर एक इधर, तीन कार्बन का प्रोडक्ट, फिर एक इधर है तो एक और एक दो कार्बन के प्रोडक्ट, दो और दो चार कार्बन के प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? तो अभी ये तो क्रॉस प्रोडक्ट मिला, दूसरा क्या होगा इसका सेल्फ ना CH3, इसका सेल्फ क्या मिलेगा स्टूडेंट CH3 CH2 CH2। अब क्या मिला, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन बाय प्रोडक्ट 2 मोल ऑफ NaBr। अब ऐसे केसेस में बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? और जब भी आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड कभी नहीं पूछा, बाय प्रोडक्ट क्या है डजंट मैटर, समझ में आया? ये एग्जांपल नंबर 1 था। एक और एग्जांपल ले लूं, ऐसा बॉन्ड लाइन ले रहा हूं स्टूडेंट, यहां कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा अब देख के बता दीजिए, विच प्रोडक्ट आर फॉर्म, ब्यूटेन पेंटेन, ये ध्यान देने का, एक कार्बन का डिफरेंस है ना, समझ में आया? तो उसका डबल करने का जो सबसे कम वाला है और उसको कंटिन्यू में कर देने का, दो कार्बन है चार, तो ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, लॉजिक समझा? एक कार्बन डिफरेंस है तो दो कार्बन डिफरेंस रहेगा तो दो दो का डिफरेंस आएगा, ये भी ध्यान में रखने का, पता चला लॉजिक यहाँ पे ये बताया और दो कार्बन का डिफरेंस आ गया, तो यही सेम अप्लाई करने लगे, तो लॉजिक हर जगह अलग होता है। प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ब्यूटेन प्लस क्या मिला स्टूडेंट, पेंटेन प्लस क्या मिला, बराबर एंड बाय प्रोडक्ट। अब इसमें कभी कभी ये पूछता है किससे रिएक्ट कराया क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो उसमें क्या दे देगा, हेप्टेन दे देगा या प्रोपेन दे देगा, समझ में आ रहा है? तो प्रोपेन तो इस रिएक्शन से बन नहीं सकता, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ऐसा बोलेगा क्या नहीं बन सकता, तीन बना रहेगा चौथा जो दिया रहेगा वो नहीं बनेगा, तो ये समझना है। ये टाइप 2 था, टाइप 3 पे आते हैं। अब टाइप 2 का और कोई एग्जाम्पल बताने की जरूरत है, वर्ड्स रिएक्शन बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इफ टू और मोर हैलोजन ग्रुप अटैचिंग same molecule gives intraverse reaction, उसको बोलते हैं intraverse reaction। कब होगा, लेकिन conditions क्या होंगे, जब दो या उससे ज्यादा halogen group एक ही molecule में होंगे, कब, When two or more halogen group attach in a same molecule, then it's give intraverse reaction। इसको क्या बोल सकते हैं type 2 को, crosswords reaction। Why it is a crosswords या mixed words, because two different mole, दो अलग अलग है तो क्या हो गया cross, और simple वाले में क्या थे, दो same, इधर क्या है intra, intra मतलब उसी molecule में दो halogen, समझ में आ रहा है? अब
इनके एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। ऐसा इधर बी आर ले लू मैं और यहां पे 2 मोल सोडियम का ले लू, ड्राई ईथर कहानी वही रहेगा बाय हीटिंग। ड्राई ईथर क्या है? सॉल्वेंट है, ये याद रखना। ड्राई ईथर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन अ वर्ड्स रिएक्शन। अब होगा क्या स्टूडेंट, ये बी आर यहां से जाएगा तो फ्री रेडिकल कहां बनेगा? ये कार्बन, कार्बन ये है ना, ये तो बॉन्ड है, ये बी आर गया, रेडिकल कहां बना? टोटल कार्बन कितने हुए? 1, 2, 3, 4। अब इसको ना मैं क्या करूंगा, ऐसे अरेंज कर दूं, बोलो ये और ये दोनों सेम है या नहीं? आया ना। अब रेडिकल मेरे सामने दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, डॉट डॉट बॉन्ड, तो ये दोनों यहां पे कंबाइन हो जाएंगे और क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? साइक्लो ब्यूटेन। तो अगर मुझे साइक्लो एल्केन बनाना है तो मैं क्या करूं, इंट्रावर्ट करा दूं। अगर मुझे साइक्लो एल्केन प्रिपेयर करना है तो क्या करूं, इंट्रावर्ट करा दूं, राइट एवरीवन? ये समझा या नहीं? अब 5 कार्बन हुए तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन हुए तो, अगर ऑलरेडी साइक्लो कंपाउंड है उसमें 2 हैलोजन आया तो, अब ओपन चेन में रिंग बन रहा है, रिंग में ऑलरेडी क्या होगा, 1 रिंग है तो 2 रिंग बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बाय साइक्लो। नहीं समझा? उसका भी एग्जांपल लेते हैं, पहले इसके एक दो और एग्जांपल लेता हूं। ये बहुत इजी है, करना है क्या है, खाली कार्बन बढ़ाना है। अब यहां सीएल बीआर कुछ भी ले लू मैं, अच्छा समटाइम सोडियम ऐसे एरो पे दिया रहेगा और ड्राई ईथर दिया रहेगा। अब मैं क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं जैसा एग्जामिनर देता है। अब क्या होगा, सोडियम एरो पे है ये, अब एक ही सोडियम दिया है, इसका मतलब ये नहीं एक ही मोल, कल क्या बताया था कि बैलेंसिंग हमें कुछ से करना है। अब ये जाएगा इधर से, यहां एक रेडिकल, ये इधर से गया, यहां एक रेडिकल, टेक्निक वही रहेगा जो पहले किया है, जो सिंपल वर्ड्स रिएक्शन में था वही क्रॉस वर्ड्स में हुआ, और वही सेम टेक्निक इसमें हुआ इंट्रावर्ड्स में। टेक्निक सेम है, मैकेनिज्म सेम है, फर्क क्या है, मॉलिक्यूल का नेचर अलग है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, अलग मिलेगा, राइट। अब क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऐसे देखने में ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बट इसी 6 कार्बन को हम क्या कर सकते हैं, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर बना सकते हैं। अब आप ये सोचते होगे कि ये हैलोजन कैसे आया होगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये सीएल अगर जाएगा, एक रेडिकल इधर, ये सीएल इधर से गया, रेडिकल इधर, दोनों डॉट डॉट, तो ये कंबाइन हो जाएंगे और यहां क्या मिल जाएगा, साइक्लो। ये समझ में आया, यहां तक कोई डाउट? तीसरा एग्जांपल, इधर सीएल ले लूं, इधर सीएल ले लूं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दूं, कंडीशन वही ड्राई ईथर बाय ईथर। बोलो जरा स्टूडेंट क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? अब उसका मुझे आईयूपीएससी भी चाहिए। द नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मिला, बोलो जरा, यही मिला, आया ना। अब इसका नेम क्या है, बाइसाइक्लो 220 हेक्सेन, यही पढ़ाया था, आया ना। सोडियम मेटल
रिएक्शन वही, सब कुछ वही, प्रोडक्ट क्या मिले? नहीं समझ में आ रहा क्या मिलना चाहिए अपने को? स्ट्रक्चर देखो, ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये यहां से गया, ये यहां से गया, एज आई टोल्ड यू सब कुछ सेम, टेक्निक सेम ना, प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए बोलो जरा। हाँ पायो, जोर से बोलने का, खाया नहीं क्या? इस तरह से स्पाइरो क्या लिखू मैं? टू टू पेंटेन आया ना, यही मिला ना। डमरू मिल गया बोले ना, ना एक और कंपाउंड ले रहा हूं, इसका आंसर बताओ। टू टू वन हेक्सेन कैसे हो पाएगा? टू टू वन बोला तो हेक्सेन कैसे होगा? हेप्टेन, सेप्टेन भी नहीं, ये इस तरह से कंपाउंड बन जाए। अब इसको क्या करने का, ये कार्बन जो ऊपर की तरफ है ना, अंदर ले लेने का, अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से। अब ये क्या हो गया, बाइसाइक्लो टू टू वन हेप्टेन, समझा? लेट्स गो थ्रू इट। आफ्टर वर्ड्स रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वो फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन होता क्या है, जब अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई बाय हीटिंग, ड्राई ईथर बाय हीटिंग। अब ये रिएक्शन एंड वर्ड्स रिएक्शन दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, फर्क क्या है दोनों में? सोडियम मेटल की जगह पे जिंक मेटल, बाकी रिएक्शन सेम होंगे। तो होगा क्या, जिंक डाइवेलेंट होते, क्या होते हैं? डाइवेलेंट। सोडियम क्या होता है? मोनोवेलेंट। इसलिए सोडियम कितना लेना पड़ा था? दो। जिंक डाइवेलेंट है तो कितना लेना पड़ेगा? एक। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? आर आर प्लस जेड एन एच टू। ये क्या मिला हमें? अल्केन। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे सिंपल फ्रैंकलिन रिएक्शन हो रहा है, वैसे ही क्रॉस में प्रोडक्ट बनेगा, सेम लाइक एज अ वर्ड्स राइट, वैसे सेम इंट्रा में भी होंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसको खाली इतना ही पढ़ना है कि रिएक्शन सिमिलर लाइक एज अ वर्ड्स रिएक्शन, रिएक्शन किसके जैसा होता है? ये वर्ड्स रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन सिमिलर लाइक एज अ वर्ड्स रिएक्शन, ओनली इन द प्लेस ऑफ सोडियम मेटल जिंक मेटल आर यूज्ड। कौन सा मेटल यूज होगा? जिंक। ये याद रहेगा, इन द प्लेस ऑफ सोडियम जिंक मेटल आर यूज एंड सोडियम आर मोनोवेलेंट, दैट्स व्हाई 2 मोल ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड, बट जिंक इज अ डाइवेलेंट, दैट्स व्हाई ओनली 1 मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्ड। ये समझ में आ रहा है आपको? सोडियम मोनोवेलेंट था इसलिए 2 मोल यूज हुआ, जिंक डाइवेलेंट है इसलिए 1 ही मोल। तो खाली यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट लिखना है, रिएक्शन सिमिलर लाइक एज अ वर्ड्स रिएक्शन। यहां पे भी मीथेन प्रिपेयर नहीं होगा, लास्ट लेक्चर में बोला था कि क्या वर्ड्स रिएक्शन से मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं? बाकी हर अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं बट मीथेन नहीं। यहां पे भी मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दो आ रहा है ना, दो कार्बन मिनिमम चाहिए हमें, तो क्या मीथेन पॉसिबल है? तो आंसर आएगा नो, मीथेन पॉसिबल नहीं राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है
कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस में होता क्या है पहले वो डिस्कस कर लें। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। एक लॉजिक समझ में आया, तीन रिएक्शन है, तीनों में कंटिन्यू क्या यूज हो रहा है और तीनों रिएक्शन किसका है, अल्काइल हैलाइड भी मेटल, तो मेटल वाले रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर। समझ में आ रहा है, सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर, ये याद रहेगा। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम टू फॉर्म आर एल आई, इसको बोलेंगे अल्काइल लिथियम, क्या बोलेंगे अल्काइल लिथियम, प्लस ये हैलोजन जो इस लिथियम के साथ कंबाइन होके एल आई एक्स हो जाएगा। अब कितने लिथियम यूज हुए प्रोडक्ट में, दो, तो रिएक्टेंट में भी कितने चाहिए, दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल लिथियम, क्या बोलेंगे अल्काइल लिथियम, समझ में आ रहा है आपको, अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम जो है यहाँ कार्बन है और यहाँ मेटल है, यहाँ एक टॉपिक कोरिलेट कर रहा हूं मैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक, बिकॉज ऑर्गेनिक ग्रुप मतलब कार्बन कंबाइन विथ मेटल, व्हेन मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन, व्हेन मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ आर एल आई है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अल्काइल लिथियम इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले दो तीन साल बैक टू बैक पूछा गया था, अभी एक दो साल से नहीं आ रहे, बट बैक टू बैक दो तीन साल से पूछा गया विच वन इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक और कौन नहीं है ये भी पूछा गया है, समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे। मैं यहीं पे थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ इस पार्ट को, ऑर्गेनोमेटेलिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड व्हेन मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एम इज अ मेटल, सी इज अ कार्बन, तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होंगे, मेटल कार्बन बॉन्ड, एम इज अ मेटल वेयर सी इज अ कार्बन, तो मेटल और कार्बन के बीच में ना डायरेक्टली बॉन्ड होने चाहिए। अब इनके एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो सबसे पहले अल्काइल लिथियम ले लिया मैंने जो ऊपर अभी लिखा था, अल्काइल सोडियम भी तो आ सकते हैं ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अल्काइल लिथियम अल्काइल सोडियम, आर एम जी एक्स एक कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, विक्टर ग्रिगनार्ड को नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ आर एम जी एक्स, इसी डिस्कवरी के उसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1910 में। फिर आर जेरेन एक्स फ्रैंकलिन रिएजेंट, क्या हो जाएगा फ्रैंकलिन, और इसी कंपाउंड में आएगा R2CuLi, ये Li R2Cu, इसको बोलेंगे गिलमैन्स, क्या बात है, किसने बता दिया, बता दिया क्या, तो उसमें बताया था, तो फिर दोबारा बताने की जरूरत क्या, तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड LiR2Cu। अब वो यहीं पे बनेगा, कैसे बनेगा वो डिस्कस करेंगे। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड
अब यहीं पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, आर ओ एन ए सोडियम मेटल इधर भी है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि सोडियम किससे अटैच है? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है आपको? टेट्रा अल्काइल सिलेन R4SI, टेट्रा अल्काइल सिलेन, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? सिलिकॉन मेटल है क्या? है मेटलॉइड है, राइट? क्या सिलिकॉन मेटल है? आया ना? ना ना, तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा? ये पूछा गया था, ये R4SI वाला एग्जांपल पूछा गया। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड ET4TB, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? टीबी इज अ मेटल ना, लेड मेटल ही है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। समझ में आया या नहीं? तो कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और कौन नहीं है हमें कैसे पता? कार्बन से डायरेक्टली मेटल अटैच होना चाहिए, अगर डायरेक्टली अटैच है तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक, और नहीं है तो नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ रहा? PV इज अ मेटल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पी ब्लॉक में है बट इट इज अ लास्ट एलिमेंट है ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो ये नहीं है और ये है। आगे बढ़ जाए अभी, ये पहला स्टेप था इसका, ये पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट लिथियम चाहिए, तो इसको फिर से लिखूं, कनेक्टिविटी ब्रेक हुआ है, तो अल्काइल हैलाइड को अगर लिथियम के साथ रिएक्ट कराया दो मोल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो क्या मिला हमें? आर Li प्लस LiS। अब यही जो RLi है इसको रिएक्ट कराएंगे कॉपर क्लोराइड के साथ। समझ आ रहा है? जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? गिलमेंस रिएक्शन, कैसे? इसके दो मोल। समझ में आ रहा है? जब दो मोल ले लेंगे तो होगा क्या? Li R2Cl प्लस LiCl। होता क्या है? यहां कॉपर प्लस वन में है, किसमें है? प्लस वन, और ये क्लोरीन माइनस वन में। समझ में आ रहा है? यहां लिथियम मेटल है तो प्लस वन, और कार्बन क्या हो जाएगा? माइनस वन। समझ में आ रहा है? अब स्टूडेंट ये कॉपर प्लस वन है और दो कार्बन है ना, तो क्या हो जाएंगे? माइनस टू, तो ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा? माइनस वन, तो इस माइनस वन को बैलेंस करने के लिए कौन आया? बाहर प्लस वन। नहीं समझा? ये नेमिंग समझ में आ रहा है? अब इनका नेम क्या होगा? ये चार्ज बैलेंस किया हमने, अब इनका नेम होगा, सबसे पहले लिथियम को लिखा जाएगा, लिथियम, फिर दो अल्काइल है ना, उनका नेम लिखेंगे डाई अल्काइल, कॉपर को हम लिखेंगे क्यूप्रेट, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, अब कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो भी लिखेंगे क्यूप्रेट वन। क्या हो गया? लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट वन, विच इज ऑल्सो नोन एज गिलमेंस रिएक्शन, इन्हीं को गिलमेंस रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिलमेंस रिएक्शन। समझ में आ रहा है? द नेम ऑफ गिलमेंस रिएक्शन इज लिथियम डाय अल्काइल क्यूप्रेट। क्यूप्रेट क्यों आया? क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, आगे जाके 12th में इसी टाइप के कंपाउंड का नेमिंग पढ़ेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा उसका रोल है, सो हमें अभी पूरा रोल तो यहाँ नहीं बता सकता। समझ में आया? तो फिलहाल के लिए खाली नेम ध्यान में रखना। अब ये गिलमेंस रिएक्शन मिला ना, ये स्टेप टू था, स्टेप थ्री में क्या होगा? यही Li R2Cu, जब अनदर मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट किया जाए। यहां क्या लिया मैंने? R डैश। अब ये R डैश ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब इनके साथ रिएक्ट करा है, इधर कितने मोल है? दो, इधर एक, एक R जो है R डैश के साथ कंबाइन हो गया,
बचा क्या एक आर, और इधर क्या बचा लिथियम। लिथियम इस हैलोजन के साथ जाएगा और जो एक आर अल्काइल बचा है वो कॉपर के साथ गया। क्या मिला अल्काइल कॉपर प्लस एल आई एस। ये समझ में आ रहा है आपको? और यहां क्या मिला मुझे अल्किल। ये समझा? तो ये जो कोरे हाउस सिंथेसिस है ना, ये वन ऑफ द मोर सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन एज वेल एज ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन, इवन एंड ऑड दोनों के लिए सुटेबल है। बाय यूजिंग वर्ड्स रिएक्शन प्रोपेन बनाना डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि प्रोपेन बनाने गए थे तो ब्यूटेन भी मिला था, इथेन भी मिला। समझ में आ रहा है? देयर आर थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट, बट यहां पे अगर आपको खाली प्रोपेन बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। कैसे? इधर एक या दो कार्बन ले लीजिए, और इधर अगर इधर दो लिया तो यहाँ पे एक कार्बन, या एक लिया तो यहाँ पे दो कार्बन, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, दो मोल अल्काइल लिथियम का लेंगे, हमें क्या मिलेगा गिलमैंस रिएजेंट। गिलमैंस रिएजेंट ना मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं, तो समटाइम डायरेक्टली स्टेप थ्री भी यूज होते हैं। अब ये रेडीमेड मिलता है ना, तो डायरेक्टली हम स्टेप थ्री भी यूज कर सकते हैं, बट आप तीनों स्टेप ध्यान में रखेंगे। ये डायरेक्टली पूछा तो आप तो ये तो कर ही लेंगे अगर आपको स्टार्टिंग के दो पता है। समझ में आ रहा है? तो गिलमैंस रिएजेंट प्लस अनदर मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड जब कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा अल्किल। तो ये आर और ये आर डैश, ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड को लिथियम मेटल के साथ ड्राई ईथर, राइट। अब यहां कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको पता होना चाहिए, हाउ मेनी मोल प्रोडक्ट मिलेगा, उसको मैं लिख दूं ए। प्रोडक्ट क्या है मेरा ए। अब इसी ए को मैं रिएक्ट करा रहा हूं किसके साथ, मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट बी, और इसी प्रोडक्ट बी को मैं रिएक्ट करा रहा हूं स्टूडेंट CH3CH2Cl, मिला प्रोडक्ट सी। आइडेंटिफाई ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं समझा? पहले इसका आंसर लिखने का, ए मिला, ए को रिएक्ट कराएंगे CuCl के साथ क्या मिलेगा बी, बी को रिएक्ट कराएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ मिलेगा सी। अब यहां जो खाली ए बी सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेन प्रोडक्ट की। ये जो बाई प्रोडक्ट मिलने वाले एल आई सी एल आर सी यू, उनकी बात नहीं हो रही, यहां मेन प्रोडक्ट की बात हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आइडेंटिफाई ए बी सी लिख सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बी यहां पे मिला है ना मुझे, मैं इसी बी को डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने क्या लिया, बी प्लस मिथाइल क्लोराइड, आंसर में मिला डी। लिख सकते हैं आप लोग, रिएक्शन आ जाएगा। अब बी क्या मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी बी को अगर मैं रिएक्ट करा दूं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ तो मुझे क्या मिलेगा ई। तो मैंने एक बार गिलमैंस रिएजेंट प्रिपेयर किया है तो उसके बाद डायरेक्टली मुझे आंसर मिल जाएगा। ये समझा आपको? कोई डाउट है? अब ये तो जो गिलमैंस रिएजेंट बी मिल रहा है ये इसके विथ रेस्पेक्ट मिलेगा। अब इसको चेंज करूं अगर मैं तो, अब दूसरे में एल आई ले लिया ट्राई ईथर, बाय हीटिंग, अब यहां एबीसीडी यूज कर लिया है ना, इधर पी क्यू आर यूज कर लेते हैं, मिला क्या P। समझ में आ रहा है? अब इसी P को क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे Cu Cl के साथ, क्या मिलेगा Q। अब इस Q को रिएक्ट करा दो आप CH3Cl के साथ, क्या मिलेगा R। R जो है, R जो है और C जो है आइडेंटिकल होंगे या नहीं? समझ में आ रहा है?
आर और सी का रिलेशन सेम हो रहा है, रिएक्शंस का पाथ अलग है, रिएक्टिंग स्टार्टिंग में अलग है, बट कहीं ना कहीं आके सेम हो जा रहा है। अब इसी क्यू को अगर मैं रिएक्ट करा दूं, इनके साथ तो क्या मिलेगा एच, समझ में आ रहा है? तो ऐसे रिएक्शन करा लेंगे। अब यहां पे एक पॉइंट खाली ध्यान में रखना है, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस आर मोर सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ऑड नंबर एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन। नहीं समझा? पहला पॉइंट ये कि दिस मेथड आर मोर सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंपेयर टू अदर अल्काइल हैलाइड मेथड। जितने भी अल्काइल हैलाइड वाले मेथड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है, सबसे ज्यादा सुटेबल ये है। दूसरा ये कि इस मेथड से, इस टेक्निक से हम ऑड नंबर ऑफ अल्केन एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कोरे हाउस सिंथेसिस मोर सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय अल्काइल हैलाइड। बाय यूजिंग दिस मेथड इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन प्रिपेयर, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन आर प्रिपेयर। ये समझा? इस टेक्निक से हम इवन और ऑड दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या वर्ड्स रिएक्शन से ऑड नंबर प्रिपेयर हो सकता था? क्या फ्रैंकलिन से प्रिपेयर हो सकता था? नहीं। तो दिस इज द मोर सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट मेथड जो होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले आर एम जी एस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हमें अल्केन बनाना है। कैसे बनाएंगे यही पे बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को प्रिपेयर करेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन? क्योंकि मेरा टेक्निक क्या है, मेरा मेथड क्या है, अल्काइल हैलाइड से, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है, आर एम जी एस। तो जब भी हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, क्या यूज करना है, सब जगह सेम टेक्निक है तो ये याद करना आसान है। समझ में आया? मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड है और अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या यूज होगा सॉल्वेंट, बाय हीटिंग। मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, कितना बॉन्ड बनाते हैं, दो, और ये सब एक एक बॉन्ड वाले हैं, तो क्या होगा, मैग्नीशियम आके यहीं पे एड हो जाएगा, तो एड कैसा होगा, आर एम जी एस। समझ में आ रहा है? और इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म आर एम जी एक्स विच आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन एंड, वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच। जब भी मुझे कार्बन एन की जरूरत पड़ेगी तो हम किसको बुलाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है कार्बन एन के फॉर्म में एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन। यहां तक कोई डाउट? अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बना है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कई टाइप के रिएक्शन शो करते, एक तो एसिड बेस टाइप रिएक्शन, दूसरा जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा जो 12th में हम पढ़ने वाले,
ट्वेल्थ में एक रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पे ग्रिगनार्ड सब जगह पे यूज होने वाला है। इलेवेंथ में हम अल्केन बनाने के लिए एक टाइप पढ़ेंगे एसिड बेस टाइप रिएक्शन। ये आर क्या है? माइनस में, राइट? तो ये इजिली प्लस को अट्रैक्ट करेगा। आर इज अल्काइन, अगर मैं कोई एच प्लस लेके आ जाऊं एच प्लस के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा? इजिली कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा? आर एच। आर एच इज अल्केन। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे अल्केन बनाना है इस ग्रिगनार्ड से, तो क्या करना चाहिए? सोचो जरा, अगर मुझे अल्केन बनाना है बाय यूजिंग दिस ग्रिगनार्ड एजिंग, तो ये ग्रिगनार्ड में आर क्या है? माइनस। मुझे कौन चाहिए यहाँ पे रिएक्ट कराने के लिए? प्लस। और अल्केन बनाना है तो कौन सा वाला प्लस चाहिए? एच प्लस। अब एच प्लस कौन कौन देता है? वॉटर, हाइड्रोजन और एच प्लस और ओ एच माइनस, अल्कोहल एच प्लस ओ एच माइनस ओ आर माइनस, अमाइन, अमोनिया, कोई भी एसिड हो जाए, एसिड क्या करेगा? एच प्लस डोनर ना, तो उनके साथ अगर मैं इस ग्रिगनार्ड एजिन को रिएक्ट करा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? अल्केन। तो अब मेरा यहाँ एक स्टेटमेंट होगा कि व्हेन एसिडिक एच प्लस डोनर मॉलिक्यूल, जब कोई एच प्लस डोनेट करता है ऐसे मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा दूं तो क्या होगा? अल्केन मिलेगा? नहीं समझा? व्हेन एनी एसिडिक एच प्लस डोनर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म अल्केन, टू फॉर्म अल्केन बाय यूजिंग एसिड बेस टाइप रिएक्शन। कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? एसिड बेस टाइप रिएक्शन। पॉइंट नहीं समझ में आ रहा? ये समझा या नहीं? अब उसका रीजन क्या है वो समझने का ट्राई करेंगे, रट्टा नहीं मारना है अपने को। ये R माइनस है ना, किसके पास इजीली अट्रैक्ट करेगा? H प्लस के साथ। H प्लस ला दो यहाँ पे, तो एक नोट लिखेंगे, व्हेन एसिडिक, एसिडिक बोला मतलब H प्लस, एसिडिक H प्लस डोनर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो H प्लस डोनेट कर सके, फिर एसिडिक H प्लस डोनर मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए? ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म अल्केन बाय एसिड बेस टाइप रिएक्शन। यस और नो? ये समझा? भी तो ये खाली स्टेटमेंट लिखेंगे, एग्जांपल बताऊंगा, जस्ट गो थ्रू वर्ड्स, एक बार देखेंगे क्या डाउट है क्या नहीं है, फिर आगे डिस्कस ना। अगर हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया है तो कोई भी H प्लस डोनर मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे, व्हेन एसिडिक H प्लस डोनर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म अल्केन बाय यूजिंग एसिड बेस टाइप रिएक्शन। तो समझने का ट्राई करेंगे, मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूल को एच प्लस फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है? एच टू ओ ना, एच टू ओ को मैं ऐसे लिख रहा हूं ओ एच एच, मतलब ये एच प्लस दे सकता है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। वाटर यूज कर सकते हैं हम एन एच टू एच, मतलब अमोनिया। नहीं समझ में आ रहा? आर एन एच H अमाइन, NH2 is amine ना, RNH2 is amine, तो ये सब प्लस वाले फॉर्म में, फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? ROH, ये क्या है? अल्कोहल। RSH, हायो अल्कोहल। RC डबल बॉन्ड O, H कार्बोक्सिलिक एसिड। PHOH, फेनॉल। अगर मैं HCl, HBr, HI ये सब भी ले लूं तो सेम होंगे। अब इनको किसी R, Mg, X के साथ रिएक्ट करा, होगा क्या? R इज अ डेल माइनस एंड दिस वन इज अ डेल प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां पे माइनस का ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये H प्लस के साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्या मिलेगा? RH। और RH क्या है मेरा? अगर R मिथाइल हुआ
तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आर इथाइल हुआ तो आर इथिनाइल हो गया तो इथीन भी मिल सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर फिनाइल हुआ तो बेंजीन मिल सकता है, समझ में आ रहा है आपको? तो फिलहाल अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ कोई अल्काइल लेंगे, पर अगर आर की जगह पे मैं फिनाइल ले लूं तो बेंजीन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? आर की जगह पे मैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ले लूं तो इथीन मिल जाएगा। तो इस टेक्निक से हम अल्कीन भी बना सकते हैं, अल्केन भी बना सकते हैं, बेंजीन भी बना सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? वेयर आर इज एनी अल्काइल। अब बचा क्या बाई प्रोडक्ट के लिए? Mg इज अ मैग्नीशियम, X क्या है? हैलोजन। अब यहां पे अगर आपने वाटर लिया तो दूसरा वाला बॉन्ड क्या होगा? OH। यहां पे अमाइन लिया तो दूसरा वाला बॉन्ड क्या होगा? NH2। तो ये पूरे ग्रुप को मैं Z मान लूं, मतलब जो भी ग्रुप लेंगे वो Z मान लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? Z। समझा आपको? अब अगर वाटर लिया तो Z की जगह पे क्या आ जाएगा? OH। अमाइन लिया तो RNH, अमोनिया लिया तो NH2, अल्कोहल लिया तो OR, फिनोल लिया तो PH, OPH, समझ आ रहा? अब इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल कि जब ही हम CH3MgBr को, ये CH3MgBr क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसको रिएक्ट करा दूं मैं किसके साथ? वाटर के साथ। और सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा? एसिडिक मीडियम लिख दूं मैं, इन एसिडिक मीडियम तो क्या हो जाएगा? अब यहां क्या मिलेगा? सी एच थ्री और एच, क्या मिल गया? सी एच फोर, सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर ले लू, एम जी सी एल ले लू, और इसको रिएक्ट करा दूं मैं इथेनॉल के साथ, किसके साथ? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इथेन, यही सी एच थ्री एम जी बी आर ले लू और इसी इथेनॉल के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये ध्यान में रखने का कि ये जो अल्काइल है वही अल्केन में जाएगा, इस अल्काइल से मतलब नहीं है। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन आते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ये जो अल्काइल है मेरा वही अल्केन के फॉर्म में जाएगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है By using Grignard reagent। Grignard reagent से हम यहाँ पे alkane prepare कर सकते हैं। अगर benzene भी prepare करना है तो, benzene prepare करना है तो क्या करेंगे? Phenyl, magnesium, bromide, react with water या alcohol या ammonia, कुछ भी ले लो, H plus से treat करा दो, क्या मिल जाएगा? बोलो सर। Benzene ring। आगे जाके बेंजीन जब प्रिपेयर करना रहेगा तो ये सब टेक्निक नहीं बताऊंगा, समझ में आ रहा है? तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेटल के साथ जितने भी रिएक्शन थे हमने, कौन कौन से रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ा आपने? वर्ट रिएक्शन, फ्रैंकलिन, तीसरा कोरे हाउ, चौथा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ में आ रहा है? तो ये अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद मेटल का रिएक्शन था, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद मेटल। आगे अल्काइल हैलाइड को रिडक्शन कराऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराया जाएगा और अल्केन मिलेगा। ओके, टॉपिक।